नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग जानते हैं, आज की कहानी जानते हैं। आज की कहानी शनि देव व्रत कथा है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज की ये ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है जो शनि देव की है। दोस्तों, अगर शनि देव की साढ़े साथी या फिर ढैया किसी पर चल रहा है तो आप ये शनि देव की कथा और व्रत जरूर करें ताकि आप साढ़े साथी और ढैया से के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। दोस्तों, चलिए जानते हैं शनिवार व्रत की कथा और व्रत रखने से क्या लाभ है और जिसे पढ़ना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। दोस्तों, एक बार की बात है, सभी नवग्रहों मंगल, चंद्र, बुध, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र, शनि, राहु और केतु में झगड़ा हो गया कि इन सब में से कौन बड़ा है। सभी ग्रह आपस में लड़ाई करने लगे और कोई भी निर्णय नहीं हो पाया और वे देवराज इंद्र के पास इसका निर्णय करवाने के लिए पहुंच गए। देवराज इंद्र उन सब की बातें सुनकर बहुत घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जता दी और कहने लगे, हे नवग्रहो, आपका न्याय करने में मैं असमर्थ हूँ और इस समय धरती लोक पर राजा वीर विक्रमादित्य हैं, जो कि बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। वे ही इस झगड़े का निर्णय कर सकते हैं कि आप सब में से कौन बड़ा है। सभी ग्रह एक साथ राजा वीर विक्रमादित्य के पास पहुंच गए और अपने झगड़े की सारी बात बता दी और साथ ही अपने निर्णय के लिए भी उनसे अनुरोध किया। राजा वीर विक्रमादित्य उनकी सारी बातें सुनकर बहुत चिंता से दुखी हुए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया गया वही ग्रह क्रोध कर उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने रजत, स्वर्ण, कांस्य, सीसा, पीतल, रांघा, जस्ता, अभ्रक और लोहो से 9 सिंहासन बनवा दिए और उन्हें इसी तरह लाइन से रखवा दिया। फिर उन सब में से निवेदन किया, आप सभी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। के अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे पीछे रखा हुआ था और बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनि देव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है और वह बहुत गुस्से में राजा से बोले, हे राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में एक महीना, चंद्रमा 2 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र एक एक महीने घूमते हैं, लेकिन मैं ढाई से 7.5 साल तक घूमता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम के साढ़े साथी आए तो उन्हें भी वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब हे राजा वीर विक्रमादित्य,
तुम भी सावधान हो जाओ। ऐसा कहकर क्रोधित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। सभी देवता भी खुश होकर वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा की साढ़े साथी आ गई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर राजा वीर विक्रमादित्य के पास आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अशोकपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे अच्छे घोड़े खरीदे। वह सबसे उत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए दे दिया। राजा जो ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा एकदम सरपट भुवन की ओर भाग गया। भीषण वन में पहुंचकर वह घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया। वन में वह राजा बहुत भूखा और प्यासा भटकता रहा। तब एक गवाले ने उसे पानी पिला दिया। राजा वीर विक्रमादित्य ने खुश होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी लेकर राजा नगर को चल पड़ा। देकर वह अंगूठी राजा उस गवाले को देकर नगर को चल पड़ा और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी भीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान थी। उस सेठ की दुकान में उसने जल पानी पिया और कुछ देर के लिए आराम भी किया। भाग्यवश उसी दिन सेठ की बहुत बिक्री हो गई। सेठ उसे खाना इत्यादि करा कर खुश होकर अपने साथ घर ले आया। वहां उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा हुआ है। जिस खूंटी पर हार टंगा हुआ था, वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार खूंटी पर नहीं है, गायब है। सेठ ने समझा कि इसी वीका ने इस हार को चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने वीका को भी चोर समझकर उसके हाथ और पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेल निकालने वाला वहां से जा रहा था, जिसे उस कोविका को देखकर बहुत दया आ गई और उसने वीका को अपनी गाड़ी पर बैठा लिया और वह अपनी जीभ से उन बैलों को फांकने लगा। उस समय राजा के शनि दशा खत्म हो गई थी। बरसात की ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा, जो कि वीका नाम से बताया था। राजा जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी बहुत ही मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन में अपने प्रण ले लिया कि वह विवाह करेगी तो उस राग गाने वाले से ही करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए अपने पहरेदारों को भेजा और कहा कि ये राग गाने वाला कहीं भी हो, उसे ढूंढ कर लाओ। एक दासी ने बताया कि वह अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन से वह उठकर राजकुमारी अनशन पर बैठ गई। बोली कि अगर वह शादी करेगी तो सिर्फ उसी से करेगी, नहीं तो अविवाहित ही मर जाएगी। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी मानी नहीं, तो राजा ने उस तेली को बुला लिया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह उस राजकुमारी से हो गया। फिर एक दिन राजा वीर विक्रमादित्य जो वीका था, वह सो रहा था और उसे स्वप्न में शनि देव ने दर्शन दिए और कहा, राजन देखा, तुमने मुझे सबके सामने छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे माफी मांगी।
और उससे प्रार्थना करते हुए बोला कि हे शनिदेव, जैसा दुख तुमने मुझे दिया है कभी किसी और को नहीं देना। शनिदेव मान गए और बोले कि जो मेरी व्रत और कथा कहेगा उसे मेरी दशा में कोई भी दुख नहीं होगा। जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं जीवन में पूर्ण होंगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। वह हुई तो आँख खुली और आँख खुलने पर राजकुमारी ने क्या देखा तो वह बहुत ही हैरान रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा वीर विक्रमादित्य है। सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए और सेठ ने जब यह बात सुनी कि वह राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें कोई भी किसी का दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी आग्रह किया, निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर आकर भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर नाना प्रकार के व्यंजन भोजन बनाकर राजा को खिलाया और सबने क्या देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही खूंटी अब उस हार को उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने अपनी कन्या श्री कौरी से राजा का विवाह करने का निवेदन भी किया। राजा ने इसे सहर्ष मान भी लिया। कुछ समय के बाद राजा अपनी दोनों पटरानियों मनभावनी और श्री कुंवरी को सभी उपहार के समेत लेकर उज्जैन नगरी को चल पड़े। वहां राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर राजा का और उसकी रानियों का खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीप माला बनाई गई और दिवाली की तरह बहुत ही खुशियां मनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था जबकि असल में वह शनिदेव सबसे श्रेष्ठ है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा हर रोज हर शनिवार होने लगी। राजा सारी प्रजा और खुशी से आनंद के साथ जीवन बिताने लगे। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है या फिर पढ़ता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को जरूर पढ़ना चाहिए से आप साढ़े साथी और शनि के ढहिये से मुक्ति पा सकते हैं, उसके दुखों से बाहर निकल सकते हैं। बोलो शनिदेव की जय। दोस्तों, आपको ये शनिदेव की कथा कैसी लगी? अगर आपको कोई कष्ट है या आप किसी परेशानी से दुखी हैं तो आप शनिदेव की कथा जरूर सुनिए और व्रत भी कीजिए जिससे आपको दुखों से छुटकारा मिल सके। और अगर आपको ये कथा अच्छी